ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घुमारवीं में हर साल की भांति मनाए जाने वाला गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। गणेश को विसर्जित करने के लिए काफी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए बस स्टैंड से शुरू होकर शहर से गुजरते हुए लूणू घाट बिलासपुर में विसर्जित किया। ये गणेश उत्सव 2 तारीख से मूर्ति की स्थापना के साथ शुरू हुआ है। गणेश उत्सव में सुबह व शाम भक्तों की काफी भीड़ लगी रही। घुमारवीं में हर साल की भांति मनाया जाने वाला गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। गणेश को विसर्जित करने के लिए काफी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए बस स्टैंड से शुरू होकर शहर से गुजरते हुए लूणू घाट बिलासपुर में विसर्जित किया। ये गणेश उत्सव 2 तारीख से मूर्ति की स्थापना के साथ शुरू हुआ। गणेश उत्सव में सुबह व शाम भक्तों की काफी भीड़ रही। घुमारवीं बस स्टैंड के साथ सैनिक विश्राम गृह के साथ ही ये उत्सव मनाया गया। उत्सव को लेकर इस बार भी भक्तों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये गणेश उत्सव सभी लोगों के सहयोग से मनाया जाता है। संस्था के प्रधान ओम साई ज्वेलर्स के मालिक विशाल सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये उत्सव लोगों की सहायता के द्वारा मनाया जाता है। शहर का हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ न कुछ दान गणेश को अर्पित करता है। इस बार गणेश उत्सव की खास बात ये रही कि बैंड पार्टी मुंबई से आई थी तथा गणेश को विसर्जन के लिए जाते समय शहर में अपने नृत्य का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मूर्ति विसर्जन को ले जाते हुए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद भी लोग नाचते गाते हुए मूर्ति को बस स्टैंड से गांधी चौक पुराना बस स्टैंड से होते हुए बघेड़ कंदरौर चांदपुर बिलासपुर के लूणू घाट में मूर्ति विसर्जित की गई। इस मौके पर शहर के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। घुमारवी में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसकी जो शोभा यात्रा है वो बघेड़ कंदरौर चांदपुर से लेकर लूणू मैदान में गई है और ये जो गणेश जी का विसर्जन है ये अपने लूणू मैदान की झील में जो है विसर्जित किया जाएगा। ये हर साल की भांति साल भी बहुत ही धूमधाम से ये गणेश उत्सव मनाया गया। घुमारवी गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया जिसकी शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकली। घुमारवीं से शोभा यात्रा ब्लॉक चौक डकड़ी चौक कुलारू चौक बघेड़ चौक कंदरौर चौक और चंदपुर से होकर लूणू से विसर्जित किया गया।